नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और कमाल के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी की कहानी में दो बहनों के रिश्ते को दिखाया गया है जो एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते बनाती है, और मूवी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसकी सीढ़ियों पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। इसके बाद मूवी पास्ट में चली जाती है और टाइम था 1932 का, जहां पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में एक सूटकेस था जिसका नाम लिया था, और वहां पर वह अपनी बड़ी बहन क्रिस्टिन के साथ काम करने के लिए आई है। घर का डोर ओपन होते ही क्रिस्टिन घर से बाहर आती है और अपनी बहन से मिलकर काफी खुश होती है। क्रिस्टिन अपनी मालकिन से सिफारिश करके लिया को अपने साथ काम पर रखवा लेती है। क्रिस्टिन एक अमीर घर पर मेड का काम करती है जिसकी मालकिन का नाम मैडम डेंजर्ड है। उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम इसाबेला है। क्रिस्टिन लिया को लेकर अपने साथ कमरे में चली जाती है और वह दोनों आपस में काफी सारी बातें भी करते हैं। लिया क्रिस्टिन को अपने माँ का बनाया हुआ स्वेटर देती है, लेकिन क्रिस्टिन उस स्वेटर को लेने से मना कर देती है क्योंकि क्रिस्टिन अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दूसरी ओर इसाबेला अपनी मॉम से कहती है कि आपने लिया को इतना जल्दी काम पर क्यों रख लिया, तो मैडम डेंजर्ड अपनी बेटी इसाबेला से कहती है कि उन्हें एक और मेड की जरूरत थी और हमें लिया को ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लिया क्रिस्टिन की छोटी बहन है जिस वजह से वह दोनों एक ही कमरे में रह सकती है। अगले दिन लिया और क्रिस्टिन मैडम डेंजर्ड के लिए खाना बनाकर लेकर आती है, और यहाँ मैडम डेंजर्ड को लिया का बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन इसाबेला को वह खाना ज्यादा पसंद नहीं आता है। इसके बाद क्रिस्टिन और लिया किचन में काम कर रही थी, तभी क्रिस्टिन लिया से कहती है कि मैडम डेंजर्ड काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वह किसी भी काम में दखल नहीं देती है, क्योंकि क्रिस्टिन ने पहले भी कई घरों में काम किया है जहां पर लोग उसके काम में बहुत सारी गलतियां निकालते थे। लेकिन लिया को मैडम डेंजर्ड गुस्से वाली लगती है। आगे हम लिया और क्रिस्टिन को पूरे घर की सफाई करते हुए देखते हैं। लिया काम करते हुए काफी थक जाती है। फिर इसके बाद मैडम डेंजर्ड खुद चेक करती है कि घर की सफाई अच्छी तरीके से हुई है या नहीं। वह लिया को सीढ़ियों पर थोड़ी बची हुई धूल साफ करने को कहती है। अगले दिन क्रिस्टिन लिया को काम के लिए तैयार करती है और पोयम भी सुनाती है। मैडम डेंजर्ड के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। क्रिस्टिन और लिया मेहमानों को कॉफी देकर बाहर घूमने के लिए और अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि संडे के दिन उन दोनों के काम की छुट्टी होती है। शाम को जैसे ही क्रिस्टिन और लिया घर लौट रही थी, तब बहुत तेज बारिश होने लगती है। फिर लिया अपने पैसे इकट्ठे कर रही थी जो कि हर संडे अपनी माँ को देती थी। इस वजह से क्रिस्टिन लिया को कहती है कि उसे अपने सारे पैसे अपनी माँ को नहीं देने चाहिए। क्रिस्टिन लिया से कहती है कि जब वह छोटी थी तो उसके रोने पर उसकी माँ उसे काफी ज्यादा मारती थी, जहाँ तक कि क्रिस्टिन की माँ क्रिस्टिन के सारे पैसे अपने पास रख लेती थी। अगले दिन लिया को उसकी माँ का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह जानती है कि उसकी बहन क्रिस्टिन उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखती है, जिस वजह से क्रिस्टिन लिया से काफी नाराज हो जाती है और उसे मारने लगती है। लेकिन बाद में क्रिस्टिन लिया से माफी मांगती है। वह दोनों मस्ती करती हुई एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है, जिस वजह से क्रिस्टिन कमरे से बाहर चली जाती है। दोपहर में क्रिस्टिन और लिया अपने कमरे में कुछ लेस बना रही थी। लिया जानती थी कि क्रिस्टिन बहुत अच्छे लेस बनाती है और वह क्रिस्टिन के बनाए हुए लेस देखने के लिए जिद करती है। क्रिस्टिन लिया से कहती है कि तुम यह लेस पहन सकती हो। लिया वह लेस पहनकर क्रिस्टिन को दिखाती है। लिया क्रिस्टिन से कहती है कि मुझे इस लेस में ठंड लग रही है। इस वजह से वह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाती है और एक दूसरे को किस करने लगती है। फिर लिया जब घर की साफ सफाई कर रही होती है तो उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर जाता है। लिया काफी परेशान हो जाती है। तभी क्रिस्टिन उसके पास आती है और उसे चुप करवाती है, लेकिन यह सब कुछ इसाबेल भी देख रही थी। यह देखकर इसाबेल को उन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा अजीब लगता है। थोड़े टाइम बाद इसाबेल और मैडम डेंजर कुछ गेम खेल रही थी, लेकिन दूसरी ओर लिया और क्रिस्टिन एक दूसरे को किस कर रही थी। फिर वह दोनों आपस में इंटीमेट भी होती है। दूसरी तरफ मैडम डेंजर्ड लिया को आवाज देती है, लेकिन लिया और क्रिस्टिन कोई रिस्पांस नहीं देती है और दोनों अपने कमरे में ही रहती है। मैडम डेंजर्ड को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब मैडम डेंजर्ड लिया
और क्रिस्टीन के कामों पर नजर रखने लगती है। अगले दिन लिया क्रिस्टीन का दिया हुआ स्वेटर पहनकर इसाबेल की मदद करने लगती है। मैडम डेंजर्ड उसका स्वेटर देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वह स्वेटर काफी ज्यादा महंगा था। क्रिस्टीन लिया पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें काम के समय इस स्वेटर को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इस वजह से मैडम डेंजर्ड उन पर गुस्सा हो सकती है। यहाँ तक कि क्रिस्टीन लिया पर इल्जाम लगाती है कि वह हर समय इसाबेल के आसपास ही मंडराती रहती है ताकि इसाबेल शादी के बाद लिया को अपने साथ ले जा सके, लेकिन लिया कहती है कि वह उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। जिसके बाद दोनों किचन में ही एक दूसरे को किस करती है और एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। शाम को मैडम डेंजर्ड और इसाबेल बाहर घूमने के लिए जा रही थी, तभी लिया और क्रिस्टीन चर्च से वापस घर आ जाती है। उन दोनों के नए कपड़े देखकर मैडम डेंजर्ड बहुत हैरान होती है। कुछ दिन बाद क्रिस्टीन घर की सफाई कर रही थी और लिया इसाबेल के कपड़ों को प्रेस कर रही थी, तभी वो प्रेस खराब हो जाती है जिस वजह से घर की लाइट भी चली जाती है और इसाबेल का ब्लाउज जल जाता है। लेकिन उस समय इसाबेल और मैडम डेंजर्ड बाहर घूमने गई हुई थी। लिया रोने लगती है, तभी क्रिस्टीन लिया को समझाती है इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है और वो सारी सच्चाई मैडम डेंजर्ड को बता देंगी। यहाँ पर लिया मैडम डेंजर्ड के गुस्से से काफी ज्यादा डर रही थी जिस वजह से क्रिस्टीन लिया को ऊपर अपने कमरे में बैठने के लिए कहती है। वापस आकर मैडम डेंजर्ड क्रिस्टीन पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और लिया को बुलाने के लिए बोलती है। लिया आकर क्रिस्टीन के पास खड़ी हो जाती है। मैडम डेंजर्ड लिया और क्रिस्टीन को काफी बुरा भला बोलती है जिस वजह से लिया और क्रिस्टीन को काफी गुस्सा आ जाता है और अपना होश खो बैठती है। वो दोनों इतनी छोटी सी बात पर मैडम डेंजर्ड और इसाबेल को मार देती है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उन्हें ऊपर के कमरे में लिया और क्रिस्टीन मिलती है जो कि बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ सो रही थी। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।